फैजाबाद जनपद के थाना महाराजगंज के ग्राम पूरा बाजार में जमीनी विवाद में देवेश सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह व मनीष सिंह को सुबह करीब 7:30 बजे 10-12 की संख्या में लोग आए और लाठी डंडे से देवेश को मारने पीटने लगे। 100 डायल के मौके पर पहुंचने की वजह से मौके से सभी फरार हो गए। घायला अवस्था में देवेश सिंह को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज खतरे से बाहर है। ग्रामपुरा बाजार थाना महाराजगंज जिला फैजाबाद। क्या कारण था जो पीटा इन लोगों ने? आबादी की जमीन, हमारे पट्टीदार है, ये जुलाई 2013 में बंटवारा हुआ था, तो जो हमारी जमीन थी, जो हमारा कब्जा था, वो लोग हमारी जमीन पे आके बार-बार बिगाड़ने लगे और ज़बरदस्ती करके ये छोटे भाई को हमारे मारे पीटे कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से। कितनी संख्या थी उनकी? उनकी 12-15 थी। कौन से लोग थे? पट्टीदार थे बगल। क्या नाम है उनका? श्री और बिहारी सिंह, पुत्र अमरनाथ सिंह, रामचंद्र सिंह, पुत्र अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह, इससे पहले भी कभी घटना घटी आपके साथ? वो नहीं, हम लोग उनसे बचाते रहते थे, हमेशा रंजित होते थे मारने का, आज मौका पाके उन्होंने मारे। इससे पहले भी कभी FIR हुआ? नहीं, FIR अभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ। और थाने पहुँची का पुलिस? आप पुलिस का भाई? 100 नंबर पर फोन कर दिए भाई, स्थिति हमारे नाजुक थी, बहुत ब्लीडिंग आ रहा था, मुझसे खून गिर रहा था, हम लोग लेके थाने भागे, थाने वाले मिलकर। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने लेके अपना रिपोर्ट दिया, यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, बोले जाएगा, हाँ मेडिकल होगा और रिपोर्ट बनाएगी, बाकी जो धाराएं पुलिस लगाई है अभी फर्स्ट रिपोर्ट में उसको कर दी है, बाकी यहाँ से रिपोर्ट मिलने के बाद और धाराएं लगेंगी। गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी, हम लोग यहाँ हैं, बता नहीं सकते गिरफ्तारी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं गिरफ्तारी उन लोगों की और जल्द से जल्द। फैजाबाद जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से की गई लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामदास वर्मा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रदेश सचिव राजेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर नायब तहसील अविनल प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शांतिपूर्ण प्रसंग कर रहे युवक कांग्रेस के युवाओं पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषियों को दंडित करने की मांग की गई। इस अवसर पर जगदीश श्रीवास्तव, मोहम्मद सहनवास खान, करण त्रिपाठी, विजय यादव, संजय तिवारी के साथ तमाम लोग शामिल रहे।
फैजाबाद सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में 47 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के विरोध में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शक्ति सिंह, रणजीत सिंह, अजय रस्तोगी, दिनेश जायसवाल, केशव बिगुलर, बबलू मिश्रा के साथ दर्जनों लोग शामिल रहे। 25 जून को जो लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा के की गई थी, उसके विरोध में हम लोगों ने आज 25 जून को यहाँ पर उसकी याद में काली पट्टी बांध के उसके विरोध में धरना दिया है कि इन लोकतंत्र के जो हत्यारे थे, जिन्होंने लोकतंत्र और उसके साथ में पत्रकारिता, पूरे जनजीवन में जो एक अमन चैन था उसको ख़त्म कर दिया था, तो और बिल्कुल एक तानाशाही की का शासन कायम किया था, और जिसको कि बाद में इमरजेंसी का नाम दिया गया, जबकि इमरजेंसी कोई देश में कोई उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उनका चुनाव रद्द हो गया तो इमरजेंसी लग गई, तो इस कारण उसी के विरोध में जो उन लोगों ने किया था, कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं ने उस वक्त किया था, जो जन अत्याचार किए थे, उसी की याद में हम लोग यहाँ आज धरना दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं करके? संदेश ये कि लोकतंत्र का जिन लोगों ने इस तरीके से गला घोटा, उनको अब किसी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता फिर क्या प्रकरण है। 25 जून 1975 को आंतरिक खतरों का हवाला देकर के इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने देश के ऊपर जो ये आपातकाल थोपा था, जिसमें देश का हर वर्ग प्रताड़ित हुआ, 19 महीने जेल, सबको जेलों के अंदर ठूंस दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, और तो और आज उस समय जो लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ, वो आज उनकी गोद में बैठ करके उनके साथ गठबंधन करने का चुनाव कर रहे हैं। ये इसी बात से साबित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इस घटना के लिए उन्होंने लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दे करके लोगों को जो आपातकाल और मीसा में बंद हुए थे उनको एक सम्मान देने का कार्य किया था, लेकिन उनको आज अपमानित किया गया है। उनको अपमानित करने वाले ये यही लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी को सम्मान देने की बात कही थी, और आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए और देश में कभी भी ऐसी सत्ता वापस न आए, इसके लिए प्रतीकात्मक फैजाबाद अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्र ने अयोध्या अविवादित स्थल स्थित प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चन न होने से संबंधित रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर महासमिति के सदस्य व नेता शामिल रहे। प्रकरण क्या है? प्रकरण अयोध्या में है, अविवादित अग्रहण परिसर में कुछ मंदिरों की पूजा अर्चना रुकी हुई, तो करीब 25 साल हो गए 1994 से, तो उसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि जब विवादित स्थान पे रामलला का पूजन अर्चन हो रहा है तो अविवादित अधिग्रहण परिसर में नहीं होना चाहिए। अगर किसी जमीन को हम अधिग्रहण भी कर लेते हैं या उसका मुआवजा भी दे देते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर पूजा अर्चना जारी रखी जाती है, और इस संबंध में हमको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आदेश पत्र आया कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं। उसी पत्र को हमने कमिश्नर फैजाबाद को दिया है कि हमारे निवेदन को स्वीकार करें और हमें पूजा करनी है। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा।